यार ये चेक करें कितनी सक्यूलेंट है, सॉफ्ट है, जूसी किस्म की लाल बोटी है। ओए होए होए होए, ये चेक करें ये कितने किलो का होगा एक पीस। ढाई पौने 3 किलो का, ये 1.5 किलो। सुबह के 4:30 बजे हो, लाहौर की सुनसान गलियां हो और आपका दिल करे अच्छे बोंग पाए खाने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपने सबसे पहले फजर की नमाज पढ़नी है, उसके बाद बाइक या गाड़ी को लगानी है चाबी और पहुंच जाना है संत नगर अल खैर बोंग पाए पे। और यहाँ आके सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा टोकन, क्योंकि टोकन के बगैर आपको पाए नहीं मिलेंगे और इनके पाए सर्दी हो या गर्मी आपको फजर के फौरन बाद मिलेंगे और तकरीबन घंटे में ये ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप नफीस से लाइट से पाए खाना चाहते हैं ना, तो आपको उठना पड़ेगा एग्जैक्ट फजर के टाइम। ये चेक करें, ये संत नगर का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये देखें, ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे है ये अल खैर बोंग पाए। और इनके यहाँ पे बोर्ड शोर्ड कोई नहीं लगा हुआ, दुकान के अंदर लिखा होगा अल खैर बोंग पाए, अल खैर दही बल्ले वगैरह वगैरह। यहाँ के मनाजिर कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले एक 25 या 30 किलो का पतीला आता है जो कि मिक्स से बोंग से और पायों से भरा होता है। फिर वो बोंग को अलग कर लेते हैं, पायों को अलग कर लेते हैं। इस सब प्रोसेस के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की खुशबू की लहर आपकी नाक को और आपके दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। और जब ये पतीले में से 2-2, 3-3 किलो के लाल बोटी के पीस और बड़े बड़े पायों के पीस निकालते हैं तो आपकी कांपें टांग जाती हैं। अभी तकरीबन 4:30 हो गए हैं और आवाम यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गई है और ये गली में से बोंग पाए का पतीला जो कि तैयार हो चुका है आ रहा है। ये चेक करें, और यहाँ पे आके आपको पहले टोकन लेना पड़ता है और सिर्फ पाए उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास टोकन होगा। लाल बोटी है, ये चेक करें ये कितने किलो का होगा एक पीस। 2.5-3 किलो का, ये 1.5 किलो का। ये चेक करें, ये तकरीबन 2.5-3 किलो का है और ये 1.5 किलो का पीस है। सुभान अल्लाह, ये चेक करें नली। तो ये हमारा प्याला तैयार होने लगा है, हमने 400 का करवाया है, पाया और बोंग मिक्स साथ नली भी। सबसे पहले ये बोंग आ गया, ओह सॉरी पाया, मेरे दिमाग घूमा हुआ है। ये चेक करें जी, ये बोंग है और अब ये नली आएगी, ये देखें जी, ये देखें ज़बरदस्त किस्म की नली आ गई है। मिनिमम कितने की प्लेट है? मिनिमम 150। 150 की प्लेट मिल जाती है, 200 की मिल जाती है। शोरबा चेक करें, बड़ा रेडिश किस्म का और बड़ा गाढ़ा सा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये हमारी गर्मा गर्म प्याला तैयार हो चुका है।
तो ये हमारा प्याला आ चुका है जो कि है 400 रुपये का और बड़ा रेडिश किस्म का है। नीचे बहुत ही थिक इनका शोरबा है जो कि ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। और ऊपर आपको ये ऑयल की लेयर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये मिक मिलेगी, ये देखें जी ये मिक है, और ये लाल बोटी, ओए होए होए सुभान अल्लाह, और ये पाया है। और इनका पाया इतना सक्यूलेंट सॉफ्ट था जब ये ऑर्डर अपने तैयार कर रहे थे तो मेरे मुंह में पानी आ गया। पाए ट्राई करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे बड़ा टाइम से आना पड़ेगा क्योंकि तकरीबन घंटे में ये ख़त्म हो जाते हैं, और जिस टाइम अभी मैं ये खाने लगा हूँ पाए इनके ख़त्म हो चुके हैं। प्लस जो आप इस तरह बैठ के अंदरून में नीचे बैठ के मैं खा रहा हूँ, मुझे नीचे बैठ के खाने में बड़ा मज़ा आता है, और जब आप इस तरह अंदरून में सुबह सुबह 5 बजे फजर के बाद पाए खाते हैं या चने खाते हैं या कोई भी नाश्ता करते हैं तो उसका एक अपनी ही फील है, उसका एक अपना ही मज़ा है। तो एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपने यहाँ से पाए खाने हैं तो आपको नान अपने ख़ुद लेके आने पड़ेंगे क्योंकि नान इनके पास नहीं होते, तो हम भी नान खुद ही लेके आए थे। तो जी ट्राई करते हैं, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाल बोटी सबसे पहले ट्राई करेंगे, ये देखें जी, ओए होए 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 होए, ये देखें जी क्या कहते हैं वो, तेज पत्ता है, तेज पत्ता, कौन सा पत्ता, तेज पत्ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि खड़े मसालों का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है और खुशबू भी बहुत अलग किस्म की आ रही थी। ये देखें ये लाल बोटी आ गई हमारी, और इसको लगवाते हैं एक बोता, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हल्का सा नमक मिर्च है, मुनासिब नमक मिर्च है। और अभी मैंने लाल बोटी खाई है लेकिन मुझे मुंह के अंदर फील ही नहीं हुई, और वो इतने अच्छे तरीके से नवाले में मिक्स हुई हुई थी कि भाई आई डोंट हैव वर्ड्स। यार ये चेक करें कितनी सक्यूलेंट है, सॉफ्ट है, जूसी किस्म की लाल बोटी है, ओए होए होए होए। ये उमर भाई मुझे बता रहे हैं कि जितना जवान बछड़े का गोश्त होगा ना उतना, ये लाल बोटी की निशानी है कि ये जवान बछड़े का गोश्त है। अब हम हाथ साफ करेंगे पाए पे, ओए होए 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 जालमो, इतनी गर्म है और इतनी भारी है, ओह भारी नहीं है सॉरी, इतनी गर्म है और इतनी बड़ी बोटी है कि मैं इसे संभाल ही नहीं जा रही। फिलहाल हमने ये ले लिया बोटी और एक और गोता, वो कहीदा है ना कि अगर तोड़े हाथ इस तरह चिप चिप ना करन तो तुसी अच्छे पाए नहीं खाते। मैं एक बाइट ले लिया पाया दी, है देखो है है है। और मुझे इनके पाए की भी सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत लाइट से पाए हैं, और आप पूरा नाश्ता कर भी लेते हैं तो आप मतलब भारी सा फील नहीं होता, या ये हो गया बड़ा पेट भर गया है बहुत खा लिया आज, सीने पे भारी भारी अक्सर पाए खाने के बाद फील होता है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पाए हैं ना ये सच में एक बड़ा हिडन पॉइंट है, और इसके लिए मैं उमर भाई को क्रेडिट दूंगा। इनका अपना यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के हिडन पॉइंट्स निकालते रहते हैं, लाहौर के, पिशावर के, रिसेंटली इन्होंने पिशावर कवर किया है। सो अगर आपने वो इनकी वीडियोस देखनी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और स्पेशल थैंक्स कहूँगा, और सच में ये एक हिडन पॉइंट है, मैं आपको कहूँगा कि आप लाजमी इसको एक्सप्लोर करें। तो अब एक अल्टीमेट सी बाइट बनाएंगे जिसमें सबसे पहले लेते हैं ये हम लाल बोटी, और आ जा भाई आ जा ये आ गया थोड़ा सा पाया। आई नो मैं बहुत बदतमीज तरीके से खा रहा हूँ पर बदतमीज तरीके से ही पाए खाने पड़ते हैं। और ये साथ आ गई मिक, ये चेक करें, कहते हैं ना वो शाहजहां ने, आई थिंक शाहजहां ही था जिसने ताजमहल बनाया था, उसके हाथ काट दिए थे। तो ये पाए इतने मज़े के मुझे लग रहे हैं कि मैं इसके इनके हाथ तो नहीं काट सकता बट मैं इनके हाथ चूम सकता हूँ कि माशाल्लाह इनके हाथों में अल्लाह ताला ने इतना टेस्ट दिया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये एक दफ़ा आप लाजमी ट्राई करें। सो मैं ये ख़त्म कर लूँ,
मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। अच्छा ये चेक करें, ये जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है ये युवास यानी गोड़ा हॉस्पिटल की दीवार है, और ये सामने है संत नगर, ये वाली गली है ना जो, इस गली में आप तकरीबन 500 मीटर 600 मीटर जाएंगे, लेफ्ट पे आ जाएगा अल खैर बोंग पाए। अभी मैं मौजूद हूँ मेन बाज़ार श्याम नगर चुबुर्जी में, और यहाँ पे अमीन खोए वाले चने बहुत फेमस हैं, तो चलो जी ट्राई करते हैं। ये हैं जी अमीन खोए वाले चने, और यहाँ पे फुल रश लगा हुआ है। अगर आप संडे को आएंगे ना तो फिर तो बैठने की जगह ही नहीं है, प्लस इनकी प्रॉपर सीटिंग है। ये पीछे भी हॉल है जहाँ बैठ के खा सकते हैं, और इस साइड पे करके इनका फैमिली हॉल है, तो आप फैमिलीज के साथ भी आ सकते हैं। नान कितने सर? यहाँ पे आपको लाइन में तीन पतीले देखने को मिलते हैं। जो दरमियान वाला पतीला है उसमें है चने, और चनों का टेक्सचर बोलता है कि वो खोए वाले चने हैं। सबसे पहले आपको चनों की एक लेयर देखने को मिलती है, उसके ऊपर तरी की एक लेयर है, और तरी में बड़े प्यार से मिर्चें फ्लोट कर रही हैं, प्लस चनों में ये मेथी भी ऐड करते हैं, तो ओवरऑल एक बहुत ही खूबसूरत और टेम्पटिंग किस्म का व्यू आता है। साथ ही एक छोटा पतीला पड़ा हुआ है जो कि तरी से और कोफ्तों से भरा हुआ है, और जो लास्ट पतीला है उसमें आपको इनका स्पेशल किस्म का रायता देखने को मिलता है जिसमें प्याज हैं, खीरे हैं। साथ ही धड़ाधड़ ऑर्डर तैयार हो रहे हैं जिसमें आपको अंडा चने मिलेंगे, कोफ्ता चने मिलेंगे, और जैसे ही मेन पतीले में चने कम होना शुरू हो जाते हैं, इन्होंने पीछे चनों से भरी ड्रमियां रखी हुई हैं, और उससे वो शिफ्ट करते जाते हैं मेन पतीले में। ये हमारा गर्मा गर्म ऑर्डर आ चुका है, जिसमें सबसे पहले ये चेक करें जी, हमने ये ज़बरदस्त किस्म के छोटे कुलचे लगवाए हैं फुल गर्मा गर्म, और प्लस हमारा ये प्याला जो है ना ये है 130 रुपए का। वैसे 70 रुपए का चने का प्याला मिल जाता है, लेकिन अगर आप उसमें अंडा और कोफ्ता डलवाते हैं तो ये आपको मिलेगा 130 रुपए का, और ये चिकन का कोफ्ता है, साथ इनका ये स्पेशल रायता जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। सुभान अल्लाह, ये चेक करें क्या बात है। तो सबसे पहले एक सादा चनों की बाइट बनाते हैं, जिसमें हमने साथ ये इनकी सबस मिर्च भी ऐड की है, ये चेक करें जी। ओए ओए ओए, ये बिल्कुल नरम से खोए वाले चने हैं, और ये बारीक मिर्च है तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो हल्के से स्पाइसेस ऐड करती है, मज़ा आ जाता है। अब ट्राई करते हैं जी कोफ्तों के साथ, ये चेक करें। सुभान अल्लाह, जब आप कोई खाना मक्खन डाल के, देसी घी डाल के, या फिर जैसे कढ़ाई बनाते हैं वो ज़्यादा दही डाल के, टमाटर डाल के बनाते हैं ना, तो वो उतनी ही ज़्यादा मिल्की बनती है। उस तरह ये जो चने हैं ना ये खोए वाले फील होते हैं, पता लगता है कि जो भी इन्होंने बीच में, दूध भी वैसे लोग डालते हैं या जो भी चीज़ इन्होंने डाली हुई है, उससे बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मक्खन मलाई की तरह टेस्ट आ रहा है। अब एक आखिर में पैसे पूरे करने के लिए अल्टीमेट किस्म की बाइट बनाते हैं, जिसमें कोफ्ता भी होगा, अंडा भी होगा, चने भी होंगे, और एंड में हम रायता भी ऐड करेंगे। उस्ताद सारे पैसे जो है ना वो इस अल्टीमेट बाइट के हैं, इसमें आपको कोफ्ते का भी हल्का सा टेस्ट आएगा, अंडे का भी आएगा, चनों की अपनी एक ओरिजिनलिटी भी बरकरार रहेगी, और रायते का टेस्ट तो आता ही आता है। सो मैं अब ये ख़त्म कर लूँ, फिर देखते हैं आगे की क्या सीन है। अभी मेरी नींद से ना आँखें बंद हो रही हैं, सर दर्द कर रहा है। एंड में हमने इनसे ये लस्सी मंगवाई है, और ये लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये की है, ये चेक करें आप। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सही है, नॉट बैड। और जिस तरह की आपको लाहौर में
कहीं से भी टिपिकल लस्सी मिलती है बिल्कुल वैसा टेस्ट है, थोड़ा सा शायद मीठा मुझे ज़्यादा लगा, बट ओवरऑल नॉट बैड, आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी ये वीडियो इख्तिताम पसीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये नाश्ते हमारे पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।